अभी आ रही है, अभी सही होगी। हेलो हमने ऑडियो का सेटअप करा ही नहीं था एक्चुअली, तो अभी बिल्कुल ही नया सेटअप है ऑडियो कैप्चर के लिए। हेलो अभी सही आ रही होगी। एंड हेयर वी गो। आज का जो मैच है उसकी इमेज लगा लेते हैं कि क्या मैच था। देखो मुझे तो हार्दिक पांड्या कैप्टन लगता नहीं भाई मुंबई का, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे को बिका हुआ प्लेयर ही फील होता है, जब भी फील होता है। अबे तो रुका तो करो। एंड यस फाइनली वी हैव लॉक्ड इट। एंड एक बार के लिए क्रिकेट बाय आरजी शेयर भी कर दूं मैं तुम लोगों के साथ, जिन जिन लोगों के साथ बात चल रही है ना। आज का मैच यार मेरे हिसाब से, टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम क्लियरली भी मेरे से बात करो ना इस चीज़ को लेके, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि इट वॉज टोटली अ ब्लंडर बाय हार्दिक पांड्या। ना बंदा बॉलिंग ढंग से करा पा रहा है, ना बैटिंग ढंग से करा पा रहा है, ना बॉलिंग चेंजेस ढंग से करा पा रहा है। कुछ भी आप उससे एक्सपेक्ट ना करके चलो, ऐसा वाला सीन चल रहा है फिलहाल के लिए। तो मतलब मेरे हिसाब से आज के मैच के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा ब्लंडर था, वो हार्दिक पांड्या ही था, और तो कुछ नहीं था। एंड वाई ही इज़ इन द टीम, और वो भी ऊपर से कैप्टन बना दिया रोहित शर्मा के होते हुए। तो मतलब मैनेजमेंट क्या ही चल रहा है दिमाग में मैनेजमेंट के, वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा। आने वाले टाइम में अगर मुंबई अपना डाउनफॉल देखती है तो इसी डिसीजन के ऊपर ही देखेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट सीजन में रोहित शर्मा भी टिकना चाहेंगे मुंबई इंडियंस में। उनके पास बहुत सारी टीम्स के पास कैप्टनसी अपॉर्चुनिटी है, बट इट्स नॉट अबाउट द कैप्टनसी अपॉर्चुनिटी, इट्स अबाउट द रिस्पेक्ट ऑल्सो। आज का पर्टिकुलरली अगर मैच हम देखेंगे तो तो यार साउंड आ रही है मेरे हिसाब से। साउंड तो आ रही है, क्योंकि पहले इशू आ रहा था यार साउंड का ना, मेरे को बता दो अगर कोई है लाइव पे तो प्लीज़ मेरे को बता देना। अगर साउंड इश्यूज होंगे तो स्टार्ट वाला पार्ट मैं काट दूंगा। ठीक है, थोड़ा बेटर लग रहा है। बाकी फिलहाल अगर मैं पर्टिकुलरली इसी मैच की बात करता हूँ, तो मैच जहाँ तक है कहीं पे भी तुम देख लो, अगर मतलब हार्दिक पांड्या के बैटिंग टाइम की बात करें, उस टाइम पे अगर वो सिर्फ रोहित शर्मा का साथ भी दे देते तो शायद अच्छा चला जाता मैच। पर मुझे नहीं लगता कि ये बंदा किसी को सपोर्ट कर सकता सिवाय अपने। एंड जहां तक मुझे लगता है, महेंद्र सिंह धोनी आखिरी 4 ओवर खेलना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी को, ना कि 4 बॉलें। 4 बॉलें ठीक है, नो डाउट अच्छा खेले, 20 रन मार दिए 4 बॉलों में, वाह बहुत बढ़िया, तालियां बजा देते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट,
महेंद्र सिंह धोनी शुड कम अप द ऑर्डर विच इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि ठीक है, आज लप्पा तुक्का सब चल गया, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन में बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स कैन सफ़र दिस इन अ वे। कल को चेन्नई सुपर किंग्स को ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है, तो इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। एंड अगर चेन्नई को ये चीज़ फेस करनी पड़ी इन टर्म्स ऑफ, अगर चेन्नई सुपर किंग्स को ये चीज़ फेस करनी पड़ी कि फिनिशर का रोल जो धोनी एंड में प्ले करते हैं वो थोड़ा लंबे टाइम में आ जाए, तो अभी मेरे ख्याल से उनको ऊपर भेजना चाहिए, क्योंकि अभी कंफर्ट मैचेस हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ कैन टेक अप द बैटन के हाँ मेरे को चाहिए कि धोनी शुड कम अप द ऑर्डर, बोल सकते हो एज अ कैप्टन कि आप आओ ऊपर बैटिंग करने के लिए, हमें आप चाहिए ऊपर, तो वो चीज़ है। बाकी आपका क्या विचार है वो मेरे को बता देना कमेंट्स में, बिकॉज आज मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ वीडियो, तो मैंने लाइव ही बना के डाली है। मैच को लेके अपना जो ओवरव्यू है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, वो मैं लाइव ही डालूंगा। तो हर मैच के बाद मैं एक छोटी सी लाइव, अगर लंबी, अगर तुम लोग आए तो लंबी लाइव, नहीं तो छोटी लाइव अपन रेगुलरली बना दिया करेंगे, ठीक है? तो हर मैच के बाद ही बनाएंगे, तो अब रेगुलर रखेंगे इस चीज़ को। कोई भी मैच हो उसके बाद एक लाइव होगी, या मतलब फर्स्ट इनिंग्स के बाद एक लाइव कर लेंगे वैसा कुछ। सो अकॉर्डिंगली लेट्स गो फॉर दिस। इस टाइम पे थोड़ा सीरियस लेते हैं इस चीज़ को। बाकी आपके विचार से आज के मैच के अंदर क्या चीज़ आउट प्ले करी? मेरे हिसाब से रोहित शर्मा खेले अच्छा, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता तो और मज़ा आता। अगर थोड़ा सा मतलब रोहित शर्मा को रूम मिलता ना, दूसरे एंड से सपोर्ट मिलता, तो हो सकता था कि ये मैच बड़ा कंफर्टेबल वे में जीतते, क्योंकि 20-22 रन का ही ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है, 20-22 रन का ही डिफरेंस था। एंड आई थिंक अगर एक एंड भी होल्ड किया होता, चाहे वो हार्दिक होल्ड कर लेता, चाहे सूर्य कुमार यादव होल्ड कर लेते, कोई कर लेता, तो ये गेम निकल जानी थी। बाकी आपका क्या विचार है वो बताना कमेंट्स में। एंड पाथी राणा अमेजिंग बोलर भाई, मतलब लसित मलिंगा के स्टूडेंट हैं और पता लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट लसित मलिंगा के स्टूडेंट होने का पता चल रहा है। बहुत ही कमाल का बोलर, बहुत ही ज़बरदस्त बोलर आई वुड से, कि ये बोलर जिस भी टीम में होगा डिफरेंस क्रिएट करेगा, जिस तरीके से बुमराह और मलिंगा करते थे, या बुमराह तो अब भी करते हैं खैर, लेकिन ये बोलर एक्चुअली गेम चेंजर होने वाला है। एंड सबसे बढ़िया स्मार्ट मूव जो धोनी का कहूँ या ऋतुराज गायकवाड़ का कहूँ, इन्होंने आखिर के 2 ओवर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, आखिर के 3 ओवर में से 2 ओवर पाथी राणा के रखे। यहाँ पे डिफरेंस यही था, कैप्टेंसी के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि हार्दिक पांड्या ने आखिर का ओवर खुद का रखा, जहाँ पे जूते खाए, कसम से जूते खाए इस आदमी ने। बाकी तुम्हारे हिसाब से हार्दिक डिड राइट तो मुझे पता नहीं, लेकिन फ्रॉम माई साइड हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर में तो मतलब धोनी ने आके रैप्टे ही मारे हैं कि भैया तेरे से ना हो पाएगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या शुड लीव द कैप्टनसी ऑफ मुंबई इंडियंस, खुद ही लीव कर देनी चाहिए। आपका क्या विचार है कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताओ। और लैक ऑफ एक्सपीरियंस एज अ कैप्टन मुझे नज़र आया, टू बी ऑनेस्ट लैक ऑफ एक्सपीरियंस आना यहाँ पे नज़र आया कि आपके पास बुमराह जैसा बॉलर होने के बावजूद आप उसे लास्ट के डेथ ओवर्स में यूज़ नहीं कर रहे हो, ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी। एंड जो क्रिकेट की अब जो ओवर वो वीडियोज़ हुआ करेंगी हर इनिंग्स के बाद, आप लोगों के साथ मैं यहीं पे लाइव ही बनाया करूँगा। आई विल नॉट शूट इट, एडिट इट, सिंपली देवांश लिख रहा है ड्रंक इक्का इज माई फेवरेट, माई टू ब्रो, माई टू। बट टू बी ऑनेस्ट आज के मैच की अगर मैं बात करूँ, बड़ा ही अजीब सा मैच था यार, समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, दुख मनाना चाहिए इस मैच का।
और तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि रोहित शर्मा को वापस कैप्टनसी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? भाई व्यूज़ इतने कम क्यों हो गए हैं अचानक से आपके? पता नहीं यार, आईपीएल की वजह से मैं भी फ़र्क पड़ गया होगा। हो जाएगा ठीक यार, 1-1.5 महीना लगेगा, हो जाएगा ठीक। अपन एक्चुअली मैं भी कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो अभी करेंगे तो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। क्यों क्या हुआ भाई, आज खुशी भी दुख भी। यार खुशी भी है दुख भी है वो तो है ही है, बट मेरे को एक्चुअली ना मुंबई का जो ब्लंडर चल रहा है वो मेरे को उस पर हैरानी हो रही है कि इन्होंने हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया, बट हार्दिक पांड्या इज़ नॉट वर्किंग वेल यार। हार्दिक पांड्या इज एक्चुअली नॉट वर्किंग वेल फॉर द टीम। यार लाइफ पे पहले 100 बंदा बैठता था, अब सिर्फ 5-10, कोई बात नहीं भाड़ में जाएंगे। अरे यार वो बात नहीं है, उस चीज़ को छोड़ दे, आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है, डाउन आता है यार, डाउन आता है, कोई कंट्रोवर्सी आएगी दोबारा उठ जाएगा चैनल, कोई इशू नहीं है। मैं यार रिजल्ट सोच के काम नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ भाई। आज माही मारा है क्या भाई? 4 बॉले खेली, 20 रन ठोके, 3 चौके, बैंचो, मतलब लंका लगा दी भाई, लंका लगा दी हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या को ना जला, ऑलरेडी जल रखी थी, उल्टा करके जले पे नमक छिड़का धोनी ने। वो डायलॉग नहीं था, डोंट टीच फादर हाउ टू मेक बेबीज फ्रॉम मूवी सुल्तान, वही वाला सीन था बस आज के मैच में हार्दिक पांड्या के केस में। बाकी तुम लोग बताओ यार, मैं तो सोच रहा हूँ क्रिकेट पे ही रेगुलर लाइव चालू कर दूँ, बाकी एक बार के लिए उधर बंद ही कर दूँ मैं। अरे वाह, बताऊंगा कुछ बड़ा मज़ेदार है, यहाँ पे बोल नहीं सकते। एक बात बोलूँ? हाँ भाई बोलना, क्या दिक्कत है? रे भाऊ तू लकाए जा, लकाए जा, लकाए जा ला माला सा। सॉन्ग्स के रिएक्शन वीडियो डिमांड में होते हैं, उस पर फोकस करो ज़्यादा। ओके ठीक है, यार मैं सोच रहा हूँ रोस्ट वीडियोस बनाऊँ, बट ना मैं एक दो जगह फंसा हुआ हूँ, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरे को चाहिए एक फुल टाइम एडिटर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, मेरे को कोई बंदा मिल जाए, मैं सैलरी देने को भी रेडी हूँ, लोकल चाहिए मेरे को लुधियाना में। सैलरी ज़्यादा नहीं होगी लेकिन दे दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आई नीड वन एडिटर, मैं अकेला हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ सारी चीज़ें। बट एक बात की गारंटी दूँ तुम्हें, व्लॉग में देख के बहुत मज़ा आएगा। तो व्लॉग देखोगे, मतलब व्लॉग की क्वालिटी देखोगे कि क्या क्वालिटी में व्लॉग आने वाला है, दिखाऊं सैंपल? मतलब मैं तुम्हें वीडियो क्वालिटी दिखा सकता हूँ कि वीडियो किस क्वालिटी में होगी।
इफ यू वॉन्ट आई कैन। चल अभी तो तू ही है, तेरे को दिखा दूं मैं। ये देख, इस क्वालिटी में वीडियो होने वाली है। मैं कितना पे कर सकता हूँ, आई टेल यू अबाउट दैट। पक्की बात है, मेरे को एडिटर दिखाओ, काम दिखाओ, कितनी देर के लिए अवेलेबल है, फिर मैं बता सकता हूँ ना यार। ऐसा तो मैं सीधा नहीं बोल सकता कि कितना पे कर सकता हूँ। हाँ, पर ये है कि मैं पे कर दूँगा जो मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा मेरी तरफ से, मैं वो अमाउंट बता दूंगा। पहले मेरे को काम तो दिखाए बंदा। ये क्वालिटी कैसी लगी मेरे को ये बता। नाइस यार, ये ग्रीन इफेक्ट मत लगाओ। पर वीडियो क्वालिटी कैसी लगी ये बता तू। कलर ग्रेडिंग एंड ऑल, हाँ तो इसी क्वालिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अगर व्लॉग देखने को मिलेगा तो, मतलब डोंट वरी। चलो गाइस, एक काम करते हैं, अब चलते हैं, मतलब हर मैच के बाद एक पोस्ट मैच रिव्यू वगैरह कर लिया करेंगे और लाइव ही करेंगे, ठीक है? तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू ज्वाइन, यू कैन।